हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, और ये वीडियो मेरे पास एक पहला पैरामिलिट्री फोर्स यानी BSF के एक जवान ने भेजा है। और वो हरियाणा से किसी टोल टैक्स से गुजर रहे थे, तो वहाँ उसका टोल टैक्स माफ नहीं किया, और उसी दौरान उसने एक वीडियो बनाया है। हालांकि ये वीडियो मैं डालना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें जो उसने कुछ शब्द यूज किए हैं वो मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उस जवान की जो मांग थी वो जायज है, इसलिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ। सबको पता है कि हम जवानों के लिए काम कर रहे हैं, और जवानों के जो भी पॉइंट आते हैं तो वो हम इसमें डालते हैं, लेकिन इसकी वार्तालाप आप जरूर सुने। और टोल टैक्स से जब इसने मतलब वो टोल टैक्स अधिकारी ने रोका, और टोल टैक्स अधिकारी ने कहा कि भाई आपका पैरामिलिट्री फोर्स का माफ नहीं है, तो इसने जो शब्द कहे हैं वहाँ ये शब्द जरूर कहे इसने कि भाई आर्मी, वो टोल टैक्स अधिकारी ने कहा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो भी डिफेंस सर्विस है उनका माफ है, पैरामिलिट्री का माफ नहीं है। तो इसने उस समय ये शब्द बोले जो गलत है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ऐसा क्या करती है जो हम नहीं करते, बॉर्डर पे तो ड्यूटी हम करते हैं, फ्रंट लाइन पर हम बैठे हैं। तो मैं इस विषय में उस जवान को भी कुछ जरूर कहना चाहता हूँ, और सबसे पहले ये जरूर बता देता हूँ कि मैंने सभी वीडियो में और हर जगह बताया है कि हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो हमेशा हमारा कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको सब फैसिलिटी मिले, और शहीद का दर्जा हो या CSD की फैसिलिटी हो या ये टोल टैक्स हो या जितनी भी सुविधा है, हम चाहते हैं सब उनको मिले। लेकिन मैं उसकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसने ये कह दिया कि आर्मी क्या करती है या एयरफोर्स क्या करती है। तो मैं उस जवान को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि ये याद रखना, जिस तरह बोलते ना कि बकरे को क्यों ज्यादा खिलाया जाता है, वो दूध तो नहीं देता लेकिन फिर भी बकरी से ज्यादा खिलाया जाता है, क्योंकि वो जब समय आता है तो बकरा कटने के लिए तैयार होता है। उसी तरह आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो ये डिफेंस है, इनको इसलिए सारी सुविधाएं ज्यादा दी जाती है कि जब भी युद्ध का समय आता है तो आपको फ्रंट लाइन से हटाकर पीछे लिया जाता है, और जब वहां गोलियां चलती हैं या युद्ध की स्थिति आती है, ऐसी किसी भी स्थिति में हमारी ये डिफेंस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, वही काम आती है, उस समय आप लोग पीछे हट जाते हो। तो हमें उस चीज के लिए सारी सुविधा दी जाती है, यानी हम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जब भी गोलियां चलेंगी या ऐसा युद्ध होगा उसमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे। इस वजह से हमें आपसे कुछ सुविधा ज्यादा दी गई है। मैं फिर कहता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को सभी सुविधाएं मिले, लेकिन ये नहीं कहें आप कि इन्होंने क्या किया है। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले BSF प्योर BSF थी बॉर्डर पे, और उसी कारण कुछ घपले होते थे, चाहे वो आपके अफसरों ने किया हो चाहे किन्होंने किए हो, उसी वजह से अभी कई ऐसी चौकियां हैं जहां हमेशा गोलीबारी चलती है या ऐसा कोई ज्यादा खतरनाक इलाका होता है, वहां BSF को हटाकर आर्मी तैनात की गई है। तो वो छोड़ो, वो चीजें अपनी है। इस टोल टैक्स का जो ये वीडियो जरूर देखे मैं चाहता हूँ, और इनका टोल टैक्स जरूर माफ हो, और सभी टोल टैक्स या जितने भी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी रिस्पेक्ट करें दें, और ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, और इनको सभी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर मैं पैरामिलिट्री जवानों को जो बीच बीच में ऐसे वीडियो जारी करते हैं कहते हैं, उनसे ये जरूर कहता हूँ कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, आपकी जो पेंशन की मांग है उससे उसको लड़ो, सारी मांगे आपकी जायज है, उसमें आपके साथ हैं। लेकिन ये बीच बीच में जो बोल देते हैं वो जायज नहीं है कि आर्मी ऐसा क्या करती है या नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस क्या करती है, ये जायज नहीं है। इस पर गौर करें, विचार करें, और आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि जब अंत समय आएगा और युद्ध होगा उस समय हम ही सबसे पहले जाएंगे, हमें ही लड़ना और मरना है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो जरूर देखिए और शेयर भी करें ताकि इनकी मांग आगे तक पहुंचे। भाई यार, टूल टैक्स में खड़ा हूँ, मेरा ना कौन सा टूल टैक्स है, ये है कुरुक्षेत्रा एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, KEPL। भाई साहब BSF से हूँ, और भाई साहब सुन रहे हो, BSF तो हूँ भाई साहब, मिलिट्री का अलाउ है भाई,
पैरामिलिट्री अलाउ नहीं, मिलिट्री अलाउ है सर। बीएसएफ से हूँ सर। नहीं होगा एकदम से मिल जाएगा पैरामिलिट्री फोर्स को। सर किसका है फिर, कौन सी फोर्स का है सर? पैरामिलिट्री फोर्स का पर्सनल व्हीकल में एग्जेम्पशन नहीं दे रखा। तो आर्मी का दे रखा है सर? आर्मी का है। मतलब पैरामिलिट्री का क्या अपराध है सर? सर्विंग ड्यूटी का है, आर्मी का। हाँ तो मतलब पैरामिलिट्री का ऐसा क्या अपराध है? ऐसे में पिछले बहुत से हाईवे पे, इसको तो बंद कर दिए भाई साहब, मैं बहुत से हाईवे पे आया हूँ, कुछ देश जागृत भी तो होना चाहिए ना। है मतलब पैरामिलिट्री कोई वैल्यू नहीं भाई? बीएसएफ की वैल्यू है, लेकिन पैरामिलिट्री पर्सन जो पर्सनल व्हीकल में ट्रेवलिंग करता है उसको एग्जेम्पशन नहीं है। और आर्मी को है? यदि वो वर्दी में करता है तो इसको एग्जेम्पशन है। यार वर्दी पहन कर थोड़ी घूमेगा कोई छुट्टी में होगा तो होगा। और आर्मी को क्यों है भाई? आर्मी का तो है ही, आर्मी नेवी एयरफोर्स का नहीं। इनका क्यों है, मतलब ये ऐसा क्या एक्स्ट्रा करते हैं? यार जो बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन में बैठे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है? कौन सा टूल टैक्स है ये, क्या नाम है इसका? और इससे पहले हम जो है पुलवामा के शहीदों के लिए हम पैसे दे के आए, जब कहीं नहीं रोके, इसी आई कार्ड पे चले गए यूपी में। मतलब हरियाणा वाले फ्री नहीं करते भाई साहब? हरियाणा वाला बात नहीं है, एनएचआई ने। और इसका सिस्टम क्या भाई साहब? मैं आऊंगा दो घंटे बाद वापस, तो क्या सिस्टम है, कितने रुपए देने होंगे? अप और डाउन की कोई घंटों की पर्ची नहीं होती कि भाई मैं दो घंटे में वापस आऊंगा? दो घंटे की कोई पर्ची नहीं है। और पैरामिलिट्री फ्री नहीं है, बीएसएफ सीआरपी सब है, पर्सनल व्हीकल में कोई फ्री नहीं है। नहीं अभी तो आप कह रहे थे आर्मी एयरफोर्स और नेवी फ्री है। आर्मी एयरफोर्स का कर रखा है ना एनएचआई, और इनका नहीं कर रखा। हालांकि एक लेटर तो पहले निकला था, एक लेटर तो पहले निकला था ऐसे कि मतलब भाई पैरामिलिट्री गजट भी है हमारे पास, दिखा देंगे। चलो ठीक है भाई साहब। अच्छा टाइम का भी कोई नहीं होता आने जाने का अलग? 24 आवर्स में वन ट्रिप है, वन ट्रिप है आना और जाना। तो उसके कितने पैसे हैं? उसके 110 रुपए आने और जाने के, और खाली जाने के? जाने के 75 रुपए और आने जाने के 110 रुपए। अच्छी कितने भी घंटे में आओ, 24 घंटे तक? 24 घंटे तक वैलिडिटी है। अच्छा और मैं 2 घंटे में ही वापिस आ जाऊँ तो? हाँ हो जाएगा, फिर भी वही होगा उतने ही पैसे, 110 ही रुपए। चलो मैं दे रहा हूँ आपको 110 रुपए, हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ा गलत हो रहा है। मतलब कि भाई बीएसएफ जो बॉर्डर पे रहती है दिन रात, जवान शहीद होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं है, और आपकी नज़र में जो है खाली एक आर्मी की वैल्यू है। भाई आप देशवासी नहीं हो क्या? देशवासी तो है लेकिन नौकरी पे तो हम अपना रूल फॉलो करेंगे ना भाई। रूल तो मतलब ये तो गलत रूल है ना कि बोले आप आर्मी एयरफोर्स नेवी फ्री है और मेरे से आप इतने तो पैसे मांग रहे हो, दे रखा है उनको तो। मतलब भाई ये जो है एक हिसाब से मतलब बहुत गलत अन्याय हो रहा है। ये बोला आर्मी को, आर्मी अलग से ड्यूटी करती है, बीएसएफ भी तो बॉर्डर पर ही रहती होगी, सीआरपी के भी तो इतने जवान शहीद हो गए, कितने हो गए हैं भाई सीआरपी के? इतने जवान शहीद हो गए, वो देश के लिए नहीं हुए? वे जवान नहीं आपकी नजरों में? जवान है हमारी नजर में साहब, तो है ही नहीं आपकी जवान नजर में जवान, और क्या, कहाँ है आपकी नजर में जवान? हमारी नजर में सबका सब। क्या नाम भाई साहब आपका? जयपाल है। ये कौन सा टूल टैक्स है, क्या नाम टूल टैक्स? अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद।